जैसे कि झूले का साउंड है, माधुरी का किलिंग, हार्श साउंड नहीं चाहिए था। सबसे पहली बार देखा था मेरे दिलीप साहब को, तो उनको हिंदी में लिखा हुआ चाहिए था, लिख के दे दिया, तो बोला दिलीप साहब मेरे सामने खड़े, अरे वाह वेरी नाइस। टुडे वी हैव गेस्ट्स हु आर नॉट जस्ट लेजेंड्स इन देयर ओन राइट बट आल्सो विनर्स ऑफ द मोस्ट कवेटेड गोल्डन रील अवार्ड्स, मिस्टर कर्नेल सिंह विर्थी एंड मिसेस सज्जन चौधरी। दे आर वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव साउंड क्रिएटर्स, ऑल्सो नोन एज फोली आर्टिस्ट्स। दे हैव वर्कड ऑन ओवर 3,000 फिल्म्स इन स्पैन ऑफ 35 to 40 ईयर्स, including but not limited to films like Parinda, DDLJ, Bajirao Mastani and recently Sanjay Leela Bansali's web show Heera Mandir. Before we get into the episodic content, we would like to invite you to join our community of the backstage artists. These backstage artists are the true inspiration behind our podcast. They have pushed us to dig deeper, laugh louder and create endless magic. Please like, share and subscribe our YouTube channel Pixels Unlimited to be part of this exciting journey. And follow, leave us a comment or even compliment on Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Links are in description below. One camera. Rolling. Shuru karte hain. Mera naam Karnel Singh hai. Sound engineer and as a foley artist. I am Sajjan Chaudhary. I am a foley artist. Welcome to our multilingual audiovisual podcast, The Backstage Artist. But films में कैसे आए? Films में actually मुझे technical line ज़्यादा पसंद थी, तो पिताजी ने मुझे नटराज स्टूडियो में एज अ अप्रेंटिस लगा दिया। Okay. स्टार्ट हुआ मेरा। okay. ये है 1978 की बात है। सीखने के हिसाब से मैं मतलब हर चीज़ को ध्यान रखता था, कैसे आर्टिस्ट को समझाते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं और कैसे फिल्म के लिए उनका आउटपुट आता है। सो नटराजी सिर्फ साउंड स्टूडियो ही था? हाँ, डबिंग स्टूडियो था। okay. मैं असिस्टेंट था। okay. मतलब ऐसे पास में बैठ के देख। okay. बट वो जबरदस्ती भेजा था, मतलब आप मतलब ये कि मैं नाकारा था, एकदम बेकार आवारा गर्दी करता रहता था, तो बोले हमारे फादर ने बोला कि इसको बम्बई भेज दो। हाँ। भाई के पास तो आ गए, ऐसी वो भी फिल्म लाइन में ही है। ओके। तो उन्होंने अपना ऐसे वो क्या करते थे, वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे एक ज़माने में कमान साहब के। ओ, कमान अब्रोही, सुल्तान अहमद और आपके बहुत लेजेंड डायरेक्टर के साथ काम किया था उन्होंने। साउंड डिपार्टमेंट में मुझे ABCD नहीं मालूम थी, मैं लग गया, मैंने कहा चलो यहाँ एक्टर लोग देखने को मिलते हैं। तो वहाँ स्टार लोग बहुत आते रहते थे। ओके। तो देखते रहते थे, अरे ये आज भी आया, आज आया। तो अपने सबसे बड़े स्टार को पहली बार कौन मैंने सबसे पहली बार देखा था मेरे दिलीप साहब को। तो उस दिन वो दिलीप साहब डबिंग के लिए आए थे, तो उनको हिंदी में लिखा हुआ चाहिए था डायलॉग। हाँ। तो बड़े स्केच पेन से वो अपना चश्मा वगैरह लेके नहीं आए थे। ओके, तो ओके। कोई है हिंदी जानने वाला, तो मुझे बुलाया, बोले आप लिखो। तो दिलीप साहब यहाँ खड़े हैं और सुभाष घई वगैरह ये सारे बड़े बड़े दिग्गज, मैं किसी को जानता नहीं था। तो मैंने लिख के दे दिया, तो बोला दिलीप साहब मेरे सामने खड़े, अरे वाह वेरी नाइस, क्या बात। तो वो एक मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस था। वहाँ पे जो टेक्नीशियन बैठता था, तो वो बोलता था यार मैं जरा सिगरेट पे क्या आता हूँ। तो चल भाई, चांस मिल गया। और हर एक टेक्नीशियन का आर्टिस्ट को समझाने का अंदाज, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है और ऐसे प्यार से बोलना पड़ता है, ईगो भी हैंडल कर के। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब चीज़ देखने मिली। फिर उस टाइम पे फोली आर्टिस्ट कोई अलग से नहीं होता था, डायरेक्शन की टीम, एडिटर, ये लोग मिलके उधर करते थे। तभी आपने सारे जो SFX सुनाई देते, सारे आप क्रिएट करते? सब सब। आपने फिर कितने साल तक असिस्ट किया? 3 साल तक। ऐसा था कि मुझे सिर्फ एक ये होता ना कि मुझे सीखना है, तो उसी में चला गया। और वहाँ पे मैं मेरा मतलब नटा स्टूडियो में मुझे कोई पेमेंट नहीं। ओ, 3 साल तक कोई पेमेंट नहीं? कोई नहीं। ओके। घर में ठीक था, घर में गए खाना भी ना खा गया। वहाँ पे आया तो चाय पानी मिल गया। yeah. तो प्रोडक्शन की तरफ से खाना मिल गया।
तो दिन निकल गए अभी इजीली। 3 साल के बाद में नटराज स्टूडियो में तो कितने 5 पार्टनर थे। शक्ति सामंता जी जिनका ये स्टूडियो है, फिर रामानंद सागर, एफ सी मेरा, गुरुदत्त उनके भाई आत्माराम जी संभालते थे, प्यार के राही, प्रमोद चक्रवर्ती के जागीर एंड दादा की अय्याश पिक्चर, बरसात की एक रायत, उन सब का काम में मतलब बैठता था प्रॉपर। तो फिर एक दिन आत्माराम जी जिनका काम में कर रहा था तो उन्होंने नोटिस किया मुझे, जाके ऑफिस में पूछा कि भाई वो लड़का आता है उसको क्या है वो, तो बोला नहीं कुछ नहीं वो ऐसे सीखने के लिए आ रहा है। तो बोला ये अच्छी बात नहीं है, उसको कुछ पैसा वैसा दे दो। तो 81 में मुझे 225 रुपया पेमेंट, 225 महीने का Oh, wow. उन्होंने स्टार्ट किया, तब मैं लगा कि कहीं नौकरी पे कर रहा हूँ। ये आपकी उम्र क्या रही होगी तभी? तभी आई थिंक 23 24 होगा। उसके बाद मैं वहीं पे काफ़ी करते रहा, फिर 84 में ये स्टूडियो बनने वाला था, शक्ति जी उनके बेटे अश्विन जी तो उनका भी काफ़ी काम चलता था वहाँ पे, तो ये स्टूडियो बनने के लिए फिर उनको टेक्नीशियन चाहिए था कि भाई, तो वहाँ पे जितने लोग थे सब ने मेरा नाम सजेस्ट किया कि आप उनको मेन चीज़ अपना काम, अपना परफेक्शन, मेरा उसके ऊपर ध्यान रहता, बाकी ठीक है जो मिलना है वो मिलेगा और जो नहीं मिलना है कितना भी सर पटकोगे तो नहीं होगा। तो उसके बाद में मैंने यहाँ ज्वाइन किया, ये स्टूडियो बन गया, 85 में स्टार्ट हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सब मैं यहाँ से निकाल सकते हैं, जितनी भी आपको ये एक्चुअली कबाड़ दिखा नजर आ रहा होगा, लेकिन ऐसा कबाड़ नहीं है, कबाड़ तो बिल्कुल ही नहीं है, बट ये हमारा जंक यार्ड है। तो ये हमारे जितनी भी चीज रखी इनमें से हम कोई ना कोई साउंड निकालेंगे। तो आप पहले क्या करते थे? अभी आप पहले रिकॉर्डिंग डबिंग जो कन्नर साहब बता रहे थे ना, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट लोग भी जैसे अक्षय, तो उसका स्टार्ट भी मेरे हाथ से हुआ। किसका? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, ओके मतलब उनका स्टार्ट मींस माइक के सामने उनको खड़ा किया, बोले ये बोलना है आपको। डबिंग में क्योंकि मेरा फोकस पहले डबिंग में ही ज्यादा था, तो उनको संभालना मतलब कैसे डायलॉग बोलना है, कैसे फीलिंग आनी चाहिए, नहीं आए तो काफी आर्टिस्टों को मैंने तंग किया उस टाइम पे। बट तंग करना मतलब उन्होंने भी आपसे सीखा ही होगा कि इतने वो वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है या फिर डबिंग कैसे करना है, ये सबको नहीं जमता। करेक्ट है, शूटिंग में आपने बोल दिया तो फिर उसी को एक तो सिंक का ध्यान देना है, फिर बाद में अरे जो डायलॉग बोला है वो बोलना है। अब दोनों के बीच में कभी तालमेल रहता है नहीं है। एग्जैक्टली तो फिर इंग्लिश टू हिंदी उसमें भी काफी किया, जो फिल्म इंग्लिश में रिलीज होती है यहाँ पे आके जो हिंदी में डब होती है, जैसे जुरासिक पार्क, फिर आई थिंक शिंडलर्स लिस्ट भी आपने किया ना, वो हमारी सबसे फेवरेट फिल्म है। हाँ, तो उस फिल्म का भी बहुत अच्छे किस्से है, मुझे एक्चुअली जानना है उसके बारे में। तो लीला घोष जी डबिंग कोऑर्डिनेटर थे, तो वो और हम दोनों बैठ के मतलब स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान देना, देन और वो फिल्म कितनी नाजुक है आप जान सकते हो, उसकी पूरी फीलिंग लाना मतलब मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा चैलेंज था। सो बट ये आपको आइडिया मतलब आप भी देते हो कर्नल जी को या वो आपको बताते हैं कैसे चलता है? नहीं, एक्चुअली क्या है, साउंड का जो एक्सपीरियंस हमारा कुछ भी नहीं है। तो अभी हम लोग जब यहाँ स्टार्ट में यहाँ ज्वाइन हुए थे तो यहाँ पर साउथ के लोग आते थे फॉली करने के लिए, तो हम उन लोग को फॉली करते हुए देखते थे, तो उनका साउंड कुछ कुछ ऐसा होता था कि जो हमें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते वहाँ। तो उनके जाने के बाद
पैकअप होने के बाद उसी साउंड को हम दोबारा क्रिएट करते थे चोरी से अनऑफिशियली हाँ जो हम प्रैक्टिकली जिस साउंड के लिए इंसाफ कर सकते हैं तो मुझे ये बेस्ट लगा जैसे आर्टिस्टों को तंग करता था वही चीज अपने आप को तंग करके अच्छा साउंड निकालना है बस अभी दूसरों के ऊपर नहीं अभी हम ही करेंगे बिल्कुल तो परिंदा में हमको चांस मिला उससे पहले भी काफी हमने साउंड किए मनी पॉल कुमार सानी जो जो पुराने जिन्होंने उसकी रोटी और जो भी आजकल भी चर्चा में आर्ट फिल्म आनंद पटवर्धन जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर थी उसमें भी किया डिस्कवरी वाइल्ड लाइफ में क्या एनिमल्स का एनिमल्स एनिमल्स की आवाज नहीं है उनके जो मूवमेंट्स है घास पे चलना फिर प्लेन सरफेस पे उनका पैरों का पानी में घुस गया तो ये सब चीजें मतलब एनिमल्स के बेसिकली फुटस्टेप्स और जितना उनका एक्टिविटीज सबसे टिपिकल सीन होता है किचन का होली के लिए अब इतनी एक्टिविटीज होती हैं एक बर्तन उठाया ये रखा वो उठाया इसमें पानी डाला उसको एक पीकू के पीकू फिल्म पीकू में के अंदर हम लोगों ने इतना डाइनिंग टेबल का मैं वही डाइनिंग टेबल वाले उसमें 10 लोग बैठे हैं और सारे लोगों की एक्टिविटीज कोई चम्मच से खा रहा है कोई पानी पी रहा है किसी ने गिलास रखा तो बड़ा डिफिकल्ट होता है उसको करना क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं लेकिन वो हम लोग एक एक करेक्टर को पकड़ते हैं इतना साल बाद इधर आया है वो और तुम वो सारा पूरा इश्यूज अरे आमी शेरों ना, को ना, 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 सुनो 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 नो डोंट स्टॉप हर शी इज राइट फ्रस्ट्रेशन जो है बहुत गड़बड़ करता है तो वो सब चीजें जो घर का जो ऑब्जर्वेशन है वो वाइफ का वो बहुत काम आता है अब चूंकि लेडीज काम में हमारे जो कर्नल सिंह जी हैं वो मास्टर हैं जितना भी नाजुक काम है मतलब चलना है फुट स्टेप है लेडीज के उसने चप्पल पहना है सैंडल पहना है हील पहना है स्पोर्ट्स पहना है तो उनके पैर में वो हर चप्पल एकदम फिट बैठता है अगर उनके पैर का क्लोजअप दिखाऊंगा मैं आपको तो वो लगेगा कोई लड़की है और जितनी लेडीज की जो एक्टिविटीज होती है सारी एसेसरीज है ये कान का अलग है नाक का अलग और गले का या हाथ का जितना पायल वायल ये सारा का सारा एक अलग 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 ट्रैक में करके उसको मर्ज करते हैं फिर उसको आप जैसा कि आप बता रहे हैं आपने बाजीराव मस्तानी में सुना है बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर ताई साहब ने पेशवर भाई जैसे खिलौने हम खेलते हैं ना कि ओ इससे आवाज ये आता है इससे आवाज ये आता है सो वो बड़ा ऐसे देख के ही मजा आता है दिमाग एकदम बिजी रहता है और फ्रेश रहता है मतलब ऐसा नहीं कि जैसे एक आर्टिस्ट है शाहरुख खान उसके हमने एक फिल्म में चल के आया सब पूरा कर दिया है तो फिर अगली फिल्म में उसको रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है वो उठा के उधर लगा सकते हो बट वो सिंक में नहीं होगा ना नहीं सिंक करना पड़ेगा सिंक भी हो जाता है ना आजकल वो ऑटो हाँ मतलब ये टेक्नोलॉजी एडिट कर कर के कर सकते हो ऑफ कोर्स लेकिन वो जो फील कहाँ से लाओगे वही एग्जैक्टली उसका मूड कहाँ से लाओगे मतलब वो किस ये फिल्म में ये सीन के लिए उसने ये मूड से आया फिर तो उसमें उसका वेट और बॉडी लैंग्वेज पूरा चेंज हो जाएगा एग्जैक्टली हर फिल्म का हर प्रोजेक्ट का हमको प्रैक्टिकली करना ही पड़ता है सो अभी आपने बोला कि आपने परिंदा किया है सो परिंदा मतलब वो प्रोजेक्ट फिर आपको कैसे ये मिला क्या आप पहले से जानते थे विनोद चोपड़ा को और उन्होंने ये किया हाँ हम लोग मतलब जान पहचान पहले से थी बट उनके लिए बहुत बड़ी मतलब फिल्म थी उस हिसाब से जैसे कि झूले का साउंड है माधुरी का किलिंग
और उसमें भी क्या है, हार्श साउंड नहीं चाहिए था। वैसे बैकग्राउंड में वो एक आवाज आनी चाहिए। तो ऐसे कई सीक्वेंसेस में उन्होंने बताया था कि मुझे ये ऐसा चाहिए। तो उसके बाद में हमने कंटिन्यू थ्री इडियट पी के यहाँ तक मुन्ना भाई ये सब मेन चीज अच्छा सुनाई देने से मतलब है। एग्जैक्टली वो कैसे आवाज आता है वो मैटर ही नहीं करता, कैसे बनता है। हाँ, रिसेंटली अभी चल रही है हीरा मंडी संजय लीला बंसल। हाँ, तो उसमें एक साउंड मुझे अचानक से लगा यार ये हम लोग इतने साल से ये साउंड को मिस कर रहे थे। वो आप बता सकते हैं क्या है कि नहीं? ये है फ्लेम का मोमबत्ती। ओके, उसका भी आवाज रहता है। हाँ, मोमबत्ती जल रही है तो बीच में हवा आएगी फड़फड़ाने की आवाज जो है। तो नॉर्मली कभी आप देखेंगे तो सुनाई नहीं देगी आपको, लेकिन जब फिल्म में देखोगे तो आपको लगता है यार ये आवाज आनी चाहिए। ओके, वो आवाज कैसे आएगी फिर? आप मोमबत्ती पकड़ोगे ऐसा हिलाओगे तो बुझ जाएगी। क्या इसीलिए मैंने पूछा आपको? बता रहे नहीं बताना वो आवाज वो कैसे निकलता है आपको अलग से ऑफ कैमरा बताएं। ऑफ कैमरा बताओ। मेरा क्या है कि मैं थोड़ा सा एक्शन में बिलीव करता हूँ। जितने भी एक्शन सीन होते हैं मार पिटाई के तोड़ फोड़ के उसमें मुझे बहुत मजा आता है। सबसे ज्यादा पसंद कौन सा? तो ये मुझे एक्शन ही है, धाड़ पाड़ गिनना पड़ना कीचड़ पानी ये सब बहुत मैं इंजॉय करता हूँ उसमें। और नाजुक काम मुझसे नहीं होता है। हमारे जो गुप्ता जी हैं वो अपना हीरो का काम, हीरो का फुट स्टेप, उनका वॉक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। सो आपने इसे तीनों में बांट लिया है? हाँ, तीनों में अपना काम मतलब ऐसा बटा हुआ नहीं है, हम लोग एक दूसरे का काम कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो एक केमिस्ट्री है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो काम करते 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 दिमाग में आ जाता है कि ये काम मैं करूँगा, तो वो साइड में हो जाते हैं। जब मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा सीन नहीं हुआ तो वो आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो हम लोग एक दूसरे को इतना समझ के चलते हैं कि चलो ये मेरा काम है, मैं करता हूँ वो करता हूँ। तो हमारी जो केमिस्ट्री है ना बहुत पावरफुल है। तो किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं नहीं कर सकता, तुम करो, तुम नहीं कर सकते, मैं करूँ। ऐसा कोई भी साउंड नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। मतलब ये आपको थॉट आते कैसे है कि मतलब ये कि ये ऐसे वॉलेट से आवाज आएगी या फिर अभी मोमबत्ती का आवाज आएगा? कबूतर का तो जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं या लाइफ में कभी घर में अगर झाड़ वगैरह लगे हुए हैं तो कौवा उड़ के गया या तो नोटिस तो होता है। आवाज तो नोटिस हम सबको होता है, बट वो आवाज यहाँ पे स्टूडियो में निकालना जब वो वर्ड है ही नहीं सामने, तो बेसिकली रिसर्च वाली बात है। तो साथ साथ में दिमाग भी चलते रहता है और ये भी प्रैक्टिकल भी चलते रहता है कि भी क्या करूँगा तो क्या साउंड होगा। आपका सबसे फेवरेट या फिर सबसे आपका पहला साउंड कौन सा था जो आपको ऐसा लगा कि ओ एकदम मजा आया? ये एक फिल्म थी जो मेरा फेवरेट साउंड है। जंगल में एक शेर का शिकार करते हैं लोग और वो जो आदिवासी लोग होते हैं वो मटन वटन सब फाड़ फूड़ के खा रहे हैं। तो हम लोगों ने अंधेरी मार्केट से 20 किलो मटन मंगाया था। हाँ, तो मैं फुल्ली नॉन वेज हूँ। तो वो मटन मैंने मंगाया तो सारे लोग भाग गए थे, बोले साल ताले तू ही करेगा ये काम, मैंने कहा मैं करूँगा। तो बॉडी को फाड़ने का साउंड उसमें हल्का सा है, एक हम लोग एक निशान लगा देते कि यहाँ से मटन को पकड़ा छीरा तो एक चर्र की साउंड आती है हल्की सी, हालांकि मटन में नहीं आती है लेकिन वो फिल्म के हिसाब से करना पड़ता था थोड़ी सी लिबर्टी लेने के लिए, थोड़ा सा हर चीज़ एग्जैजरेट करने के लिए। ऐसी बहुत सारी साउंड हैं जो मतलब मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि कीचड़ में फाइट है, गिनना पड़ना धाड़ धोड़ ये, तो रोर के अंदर इतनी कीचड़ कि फूल इतना अच्छा किया तो फिर उसका अवार्ड ही मिल गया। अवार्ड मिला उसके लिए, हम लोग नॉमिनेट हुए थे तो अनफॉर्चुनेटली हमें अवार्ड नहीं मिल पाया, बट नॉमिनेट हुए थे एमपीएससी। हाँ, उसके बाद हम फिर
2017 में इंडियाज डॉटर के लिए नॉमिनेट हुए थे। या वो है ना रसूल पुकट्टी, रसूल पुकट्टी। हाँ, हम लोग वो तभी वही नाम सोच रहे थे, इंडियाज डॉटर। तो उसके लिए हम लोग फिर लॉस एंजलिस गए और हमें वो अवार्ड मिला वहाँ एमपीएससी का। तो हम अपने नाम के आगे सज्जन चौधरी एमपीएससी लगा सकते हैं। इन जनरल ऐसे फोली सिर्फ सिखाया नहीं जाता। सो अभी आपको समझाओ, मुझे सीखना है क्योंकि ये है बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड। मतलब कभी बोर नहीं होगा कोई बंदा नया, कोई नया आएगा या फिर जितना भी। सो अभी मुझे सीखना है तो मैं कैसे इसमें आ सकती हूँ? मतलब आने के लिए देखो, कोई भी आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, लेकिन अपना दिमाग साथ में लाना पड़ेगा। मतलब आजकल आजकल क्या है, मैंने बहुत लोगों को ट्राई किया, आपने ट्रेनिंग देने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं, जीरो है उनका। आजकल बेसिकली ध्यान सबका पैसे पे रहता है, मुझे पैसा कितना मिलेगा, क्योंकि क्रिएटिव उनका पैसे पे रहेगा फोकस, और ऊपर से ग्लैमर भी नहीं है। हाँ, ग्लैमर भी नहीं। टाइटल पता चले जो दिया आता है ना उसे और कभी कभी वो लोग तो सिनेमा वाले लाइट भी बंद कर देते हैं। वो क्रेडिट ही नहीं है, क्रेडिट ही नहीं है। आप मतलब अभी आप कौन सा कोई अभी ऐसे बैठे बैठे कोई साउंड दिखा सकते हैं? हाँ, मैं एक ओके, जो आपका फेवरेट हो। फेवरेट तो मेरे यहाँ पे कीचड़ नहीं है। ये मैं विंडो खोल के दिखाता हूँ आपको थोड़ी सी, है ना? हाँ जी, आप यहाँ पे बैठ जाइए। तो जैसे ये विंडो नॉकिंग है, नॉकिंग मतलब अलग अलग टाइप की है। एक तो नकल से है और जोर से विंडो की हल्की सी क्रीक, और इसी से मैं टांगे का साउंड भी बना सकता हूँ। वो मुझे पता है, वो मैंने देखा है टांगे का साउंड। देखिए सुनिए, अभी टांगा थोड़ा फास्ट, ऐसे कभी हुआ है कि सिंग साउंड के बाद भी लोग आपके पास आए कि नहीं आपका जो एक क्रिएटिव इंपैक्ट है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है? नहीं, आपने अच्छा सवाल किया। सिंग साउंड में क्या होता है कि जैसे कैमरा वगैरह अगर जैसे मूवमेंट है, ट्रॉली का मूवमेंट है, तो शूटिंग में कितना अवॉइड करते हो आप साइलेंट रहने के लिए? क्राउड है तो उसको साइलेंट कराते हो, करेक्ट है? सिंग साउंड में माइक लगे हुए हैं, जैसे अभी आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, आपके रसल आ रही है, आवाज आ रही है, है ना? तो डायलॉग में वही सुनाई देगा तो फिर क्या फायदा? तो वो म्यूट करने के लिए जैसा बंद कर दिया, साउंड आपका बंद है, आप ये मूवमेंट करेंगे तो आपका साउंड ही नहीं है। तो शूट में क्या होगा कि ये मूवमेंट जो है आप कितना भी करोगे तो नहीं है, जब साउंड आएगी तब रिकॉर्ड होगा ना। माइक को ही नहीं सुनाई दे रहा तो फिर आप ऑडियंस को क्या सुनाओगे? एग्जैक्टली, कुर्सी पे बैठे हो तो ज्यादा कुर्सी हिलाना नहीं, सीन चल रहा है। मैं अभी एक्चुअली कुर्सी हिला रही थी तो आवाज आ रहा था, तो मैं नहीं हिला रही। लेकिन फिल्म में क्या है, फिर 19-20 रहता है, मतलब आवाज आती है, लेकिन माइक आपका मतलब बूम माइक है, प्लेसमेंट ऐसा किया हुआ है या कहीं और छुपा के रखा है माइक, क्योंकि आपका डायलॉग क्लियर आना चाहिए। कुर्सी इम्पोर्टेंट नहीं है। Exactly. लेकिन आर्टिस्ट है, हिल भी रहा है, ये भी कर रहा है, तो वो उतना साउंड कैच नहीं करेगा। लेकिन जब आप फिल्म पर्दे पे जाएगी तो वहाँ पे क्या हुआ है कि आपका डायलॉग ही सुनाई दे रहा है, बाकी एक्टिविटीज नहीं दे रहा है, तो वो सुनाने के लिए फिर हमको क्रिएट करना पड़ता है। रिसेंटली मैं सैम बहादुर, मेरी फेवरेट फिल्म है, उसमें मिलिट्री की जितने भी एक्सेसरीज हैं और क्या कहते हैं गन्स का साउंड है, तो वो सब हम लोगों ने यहीं पर ही बनाया है। गन्स का साउंड, गन का साउंड मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड कट लग। ये गन है,
है ना, और इसको एक सॉरी सॉरी प्रोडक्ट पर फोकस कर। गन में उसमें जो जितने सल्यूट्स हैं तो इसको ये साउंड को हम ये लोड करने का जितने भी हैंडलिंग वगैरह है उनका फिल्म के अंदर आप देखेंगे तो ये सब इसी से क्रिएट किया हुआ है हम लोगों ने। मतलब हथकड़ी से और अब गन का आवाज निकाल सकते हैं। यही बहुत फैसिनेटिंग सी चीज है। एक्चुअली फॉली जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिल्म का, तो विदाउट फॉली आप मतलब किसी भी सीन को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो उसका मैं भी वही बोल रही थी, उसका ऐसे एक लाइफ नहीं आता है, इम्पैक्ट नहीं आता है कि अभी गन को ऐसे करेंगे तो देयर इज नो साउंड, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो यू कैन से कि वी आर क्रिएटिव साउंड मेकर। उन्होंने बोला कि आप देख लो, आपको ये कर लो। ऐसा हमारे साथ हुआ था दिलवाले दुल्हनिया, डीडीएल, तो उसमें सब डिसाइड हुआ था कि भाई डायरेक्टर साहब आएंगे, पूरा उधर बैठेंगे, मतलब उनको उनके सामने ही इफेक्ट्स करना है। ओके, तो बोला ठीक है करेंगे। तो खड़े रहा, बोला पूरा अटेंड करेगा, बोला ठीक है। फिर करीब एक घंटा तक देखा उसने, तो बोला यार मैं जाता हूँ, 50-60% जो मेरे दिमाग में चल रहा था, तो आप उससे कहीं ज़्यादा 100% दे रहे हो, तो आप लोग ऐसे ही कैरी ऑन करो, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद में कभी उनको स्टूडियो में आते हुए नहीं देखा, आदित्य को। यहीं पे हुआ था आराधना में। ओके ओके, तो उनका स्टूडियो बना, वहाँ पे भी जाके किया हमने। आपको भी कुछ MSME अवार्ड भी मिला है। रसूल तो मतलब एज इट इज बहुत सेंसिटिव बंदा है। उनको बोला भी मैंने, मतलब आपने मतलब हमारे काम को इंसाफ दिया है। ओके, बहुत अच्छा लगा था। अपना जो टॉपिक था रेकग्निशन, तो देखो कभी अचानक ऐसा आ गया तो काम करते रहने का रेकग्निशन कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। एग्जैक्टली, नहीं है तो भी हम अपना काम करके सेटिस्फाइड हैं। वो जैकी श्रॉफ का एक सीन है, पानी की टंकी के ऊपर वो चढ़ते हुए आते हैं ढाम 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 ढाम, तो ऊपर उनकी टोमेटो के साथ फाइट है, तो वो एक जिस साउंड जो है ना हमारे पास प्रॉपरली हो नहीं पा रही थी वो, क्योंकि जो पाकी की टंकी का जो हॉलोनेस होता है ना वो नहीं मिल रहा था। तो अचानक वो कन्नर सिंह साहब को हमारे वो गटर के ऊपर पड़ा हुआ ये ढक्कन दिखाई दिया, 90 का ढक्कन है, हम लोग उठा के ले आए उसको, आज तक इधर ही है। तो इससे हम लोग जेल डोर के साउंड, मेटल के साउंड, बस के अंदर चढ़ना, बस में उतरना, जितने भी जीप के अंदर, ट्रक के अंदर, वो सब इसी से बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज के भी किए, वाइल्ड लाइफ हो, वो एनिमल की बॉडी एक्चुअली एनिमल का साउंड भी, मतलब जैसे कि मान लीजिए स्नैक है सांप, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, सांप का वॉक देखा आपने कभी? इस सांप जो है जंगल में घुसा, बाहर निकला। बॉन ब्रेकिंग का साउंड इससे आएगा आपका,
जैसे सनी देओल का पंजा दिखाते हैं ना, हाँ 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 ना। और कोई फाइट में कुछ बड़ा सीन है, गर्दन तोड़नी है उसकी विलन की, तो जो पहले के रिकॉर्डिंग का ये था कि काफ़ी लिमिटेशंस थे उस टाइम पे जब हम लोग काम करते थे। जैसे हम लोग मीन्स जैसे चौधरी साहब हैं, गुप्ता जी हैं, तो तीनों जन खड़े हो गए, तू ये कैरेक्टर पकड़ना, तू ये करना, इसका ये माइक एक है, टेक एक है, तो तीनों को एक दूसरे को फॉलो करके चलना है, बिकॉज लिमिटेशंस है। अभी आजकल क्या है, एक कैरेक्टर के लिए एक ट्रैक दे दिया, दूसरे के लिए दूसरा ट्रैक कर दिया, सब मतलब काम बढ़ गया। वो तो है, बट और ऊपर से थोड़ा सा इजी भी हो गया कि मतलब इजी हो गया कि कुछ निकालना है या कुछ ऐड करना है तो सब कर सकते हैं। तो आप ये चौधरी साहब के साथ कब से काम कर रहे हो, मतलब ये आपकी टीम कब से है और कितने लोगों की टीम है ये? हमारी तीन लोगों की, जैसे गुप्ता जी एक बताया जो वो उस दिन थे, फिर गुप्ता जी इनको साथ में लेके आए, ये सीरोक में उनसे सीरोक में थे ना चौधरी, सीरोक में, फिर आनंद, तो फिर दोबारा जब गुप्ता जी हमारे साथ यहाँ पे आए तो इनको भी साथ में लेके आए, तो हमारे तीन जन का ग्रुप बन गया। तो फिर आप अभी कितने साल से काम कर रहे हो एक साथ तीनों? गुप्ता जी तो बहुत पहले से ही है, फिर यहाँ पे कब एंट्री हुई चौधरी? 90 में, 90 में, 90 जब से एंट्री हुई तब से कर रहे हो। अभी आप जब 22-23 साल के थे तब से आप कर रहे हो? बाप रे, ओके, मेरे से तो इमेजिन भी नहीं हो पा रहा इतने सालों से। माइंड में कभी वो रखा ही नहीं हमने, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं ना तो आपने सवाल किया इतने साल हो गए, तो वो साल कभी ध्यान में आते ही नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि आज ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज इतना सब भर के रखेंगे तो नया यूटिलाइज कैसे होगा, कब होगा? ओके, हाँ, दूसरा ये है कि हमारी अंदर जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हमको ब्रीदिंग का एक ये हो गया। ओके, हाँ, वो साउंड में वो ज़्यादा हेल्प करता है। ब्रीदिंग नहीं आनी चाहिए, जैसे रसल कर किया पूरी पिक्चर का हम लोग कर रहे हैं तो अपने सांस, तो अगर दौड़ भी रहे ना तो ये चीज़ को कंट्रोल करना है, ये दौड़ है, लेकिन साथ में ब्रीदिंग भी आएगा तो फिर खराब लगेगा। ओके, तो वो चीज को कंट्रोल करना, और कुछ ज्यादा लाउड मूवमेंट है तो अपनी ब्रीथ को संभालना है, ये आवाजें नहीं निकलनी, ये तो ऐसे ध्यान में भी नहीं आता। हाँ, तो एक तरह से हम लोग योगा करते हैं। एग्जैक्टली, बट क्योंकि एक्चुअली इन जनरल इंडस्ट्री में इतने लोग नहीं है जो, नहीं नहीं, दो चार लोग ही है, ज्यादा नहीं है, गिने चुने आप हो और एक अर्जुन करण सिंह है, हमारा दोस्त ही है वो भी। ये आपका सामान आपके इतना ही नहीं, ये सब हमारा ही है और जो प्रॉपर्टी आती है फिल्म वालों की। मुझे अभी ना सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना है, आपने अभी इतने 40-50 साल पूरा वेरियस ऐसे इराज होते हैं ना कि फिल्म्स के, वो आपने सब देख लिए, सो अभी आपको ऐसे फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि अभी और क्या बाकी है या फिर और आपको क्या करना है? अपने इंडिया में भी बहुत सारी फिल्में हैं किसी और ने की है, तो एक लगता है नहीं यार बहुत अच्छा, मतलब अपने काम को तो मैं वैल्यू दूंगा, अलग बात है, लेकिन किसी और ने भी किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और किया है तो मैं सामने से फ़ोन करके बोलता हूँ कि भाई तुमने बहुत अच्छा, बिकॉज अच्छा काम जरूरी नहीं कि मैं करूँ तो ही अच्छा होगा, किसी और ने भी किया तो उसकी तारीफ करता हूँ। ऑफ कोर्स, तो साउंड एक्चुअली
मेरे मन में मतलब साउंड पे साउंड की रिस्पेक्ट तो कोई फिल्म में ऐसे भी देखता हूँ कि बहुत अच्छा साउंड हुआ यार कैसे किया होगा मतलब जरूरी नहीं जाके पूछूं कि भाई क्या किया तूने कुछ नहीं ठीक है मेरे सामने ऐसा कुछ कोई प्रोजेक्ट आएगा तो मैं वैसा करके दिखाऊंगा. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द बैकस्टेज आर्टिस्ट्स. प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अपकमिंग एपिसोड विद सीनियर कलरिस्ट्स ऑफ फेमस स्टूडियोज मिस्टर अविनाश शुक्ला who gives us in-depth information of how color defines the mood of the content. I would say the best way of doing color grading is like stick to what's there in the image. Just try and accentuate it. Don't try and change it completely. Now, I would say the colorist is very close associate of camera. Please like, share and subscribe our YouTube channel Pixels Unlimited to be part of this exciting journey. And follow, leave us a comment or even compliment on Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Links are in description below.